بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المسنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے انشاءاللہ الرحمن چند خطبات جمعت المبارکات مختلف نبی دے صحابہ دے حالات و واقعات انہ دی زندگی سوان عمری انہ دی سیرت نبی نال محبت نبی نال پیار حدیث نال محبت ایک ایک صحابی دا ایک ایک خطبہ جمعہ اندر کوشش کراں گا اجمالی طور تے مختصراً تانوں تعارف پیش کراں اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ سیدنا جناب خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی دے حوالے نال انشاءاللہ چند گزارشات کراں گا اے نبی دے انصاری صحابی نے اور انہاں دا قبیلہ بنو نجار ہے اور انہاں دی کونیت تو تسی سارے احباب واقف ہو شاید نام تو تانوں اندازہ نہیں ہو سکیا انہاں دی کونیت ہے ابو ایوب انصاری تڑپ کے محبت نال ذوق نال شوق نال پیار نال عقیدت نال ایمان دے جذبے نال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا اپنے گھر وچ تیار ہو رہے نے اے سامان رکھ اے پھڑ اے کپڑے کڈ انج کر بیگم آندی ہے سرتاج کدھر جا رہے ہو کہن لگے میرے کنا تک آواز پہنچی ہے کہ مدینے اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی نبی دا ظہور ہویا
दिल करदा जाके हेबे लवां पता करा जाके देखा उस नबी दी तालीमात नू मुआमलात नू वो की आंदा की चांदा है की ओदा पैगाम है। गल ना चंगी लगी सफर ही है ना मक्के दा वापिस आ जावांगे ते जे कोई गल दिल लगदी होई ते फिर लेट करना चाहिदा लेट नहीं करना चाहिदा। बीवी ने नाल रल के तैयारी करवाई है आप मदीने ओ निकले यसरब तो निकले सफर करदे करदे मदीना तैयबा पहुंचे आमिना दे लाल ना जा मुलाकातां कीतियां जगां दे पीर अली सलाम दे मुआमलात दिन रात दा शेड्यूल सहाबा दा जमकटा तालीमात वेंदे रह बनजरे गायर इहदा मुतालिया करदे रह वेंदिया वेंदिया कहन लगे सोनिया मैनू कुछ इस्लाम दे बारे दसो। आका पाक अली सलाम ने ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਸੁਣ ਫਿਰ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। ابو ایوب رب دا پیغام آیا ہے تے باقی تو ماحول ویندا پیا ہے اے نظام ہے اے سسٹم ہے تے ابو ایوب ہن تیرے تے وے तेरा दिल की आंदा है ऐडा रब आंदा है अल्लाह अहद अल्लाह कल्ला ही है अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है लम यलिद व लम यूलद ओदी औलाद भी कोई नहीं ते ओदा मां बाप भी कोई नहीं व लम यकुल्लहु कुफुवन अहद ओदा सांझी शरीक ते साथी ते बराबरी भी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अबू अयूब अंसारी ने सुनिया ना कह लगा जी मैनू गल बड़ी चंगी लगी है ते सोनिया नाल मिला लो अपने आका फरमांदे ने अबू अयूब पढ़ ले फिर अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वादहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलहु अबू अयूब अंसारी ने कलमा पढ़िया मैं कुर्बान जावा कलमा पढ़न दे बाद कहन लगे सोनियो मैं मदीने जाना चाहना वा अपने एलो अयाल ना मुलाकात करना चाहना तुहाडा पैगाम जाके अपने घर वालिया नू सुनाना चाहना वा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने कुछ तालीमात दीतियां अबू अयूब अंसारी नू इन्हां दे घर रवाना कर दिता है। अबू अयूब अंसारी यसरब अंदर आए अपने घर अंदर दाखिल होए ने बीवी कह लगी सरताज सुनाओ की माहौल है ते अबू अयूब अंसारी किते नबी दा हुलिया दसदा है किते नबी दा अखलाक दसदा है किते नबी दे मुआमलात दसदा है आमिला दे लाल दी नमाज दसदा है मेरे पैगंबर अली सलाम दे असहाब दसदा है मैं बैतुल्लाह दा माहौल दसदा है और तौहीद दा पैगाम जो मैं सुन के आया सुना दे हाँ हाँ सुनाओ की चाहते हो ते अबू अयूब पता की आंदे ने आंदे ने कुल हो वल्लाह हो आहद
अल्लाह समद लम यलद वलम युलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अबू अय्यूब अंसारी ने जो ये जुमले बोले ना ते जेड़ियां गल्लां अबू अय्यूब आमिना दे लाल नल कर दे रहे उम्मे अय्यूब ये जनाब अबू अय्यूब ना पई कर दी है। कहिंदी फिर आखरी पैगाम की है उन्होंने मुतालबा केड़ी चीज दा कीता है। अबू अय्यूब आंदे ने उन्हां दा आर्डर ए वे पढ़ लो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उम्मे अय्यूब ने भी कलमा पढ़िया आपस दे अंदर कलमा पढ़ के तालीमात मुस्तफा ते अमल करना शुरू कर देंदे ने। वो भी वेला आया मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम गल मुख्तसर अबू अय्यूब दे रिलेटेड ही गल्ला करनिया सन। वो भी वेला आया रब्बे जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अली सलातु वस्सलाम नो मक्कों निकाल दिता जांदा है। आका पाक अपने सहाबा नू लेके मदीने वर रवाना हो गए ने और मदीने अंदर आमिना दे लाल दे आन दियां इत्तलावां मिलियां ने। बड़े बड़े चौधरी जिहड़े कलमा पढ़ चुके ने सारे अपने घरां दियां सफाइयां कर रहे ने अपने घरां दा माहौल बना रहे ने। मैं कुर्बान जावां घरां अंदर रंग पेंट करवा रहे ने सोना आएगा अपने घर दिया मेहमान नवाजिया नाल उन्हां नू जनाब अपने घर अंदर उन्हां दी मेहमान नवाजी करांगे अपने घर अंदर रखांगे। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम दे आन दी खुशी अंदर पूरा मदीना तैयारियां करदा पे। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम चलदे आ कुबा मस्जिद मैं कुबा बस्ती अंदर आके मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने क़याम कीता पूरा मदीना इस्तकबाल करन लई निकल के आउंदा है। हुण पूरे मदीने दी तैयारियां ने ते अबू अय्यूब नू उम्मे अय्यूब आंदी है सरताज तुसी भी तैयारी कर लो और तुसी भी कोई पेंट शेट करा लो तुसी भी कोई इंतजाम कर लो। ते अबू अय्यूब आंदा है नी उम्मे अय्यूब मेरे कोल माल भी कोई नहीं दौलत भी कोई नहीं रुपया पैसा भी कोई नहीं निजाम में जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजार रहा वा। हाँ एक गल जरूर है मेरे दिल अंदर तड़प है अगर ते उतो मंजूरी अमीरां दी है ते जिन्नी मर्जी तैयारी कर ले मेरे घर आमिना दे लाल नहीं रहन लगे ते जे उतो गरीबां वास्ते नरम गोश है ते काबे दे रब दी कसम है मेरे तो बढ़ के गरीब कौन है जेदे बूए ते आमिना दे लाल दी डाची आएगी। मैं कुर्बान जावां और अगली गल भी सुन लो मदीने अंदर ना एक घर तुब्बा बादशाह ने बनवाया सी एक लंबा वाकया सीरत दे उनवान ते किते पेश करांगा। एक दो मंजिला स्टोरी है सिर्फ पूरे मदीने अंदर डबल स्टोरी एक मकान है वो अबू अय्यूब दे कोले खानदानी तौर ते तुब्बा बादशाह दे खत दे नाल अल्लाह अल्लाह मैं सदके जावां मैं कुर्बान जावां ए मियां बीवी दा मकालमा अहले दिल ने इंज करके नकल कीता है। आंदा कहन लगा जरबाजों क्यों कर रीस करा जरदारा घर दा हाल मालूम सब तेनू जिमे मैं वक्त गुजारा जर होवे ते जोर लगावा ते शान शिंगार वखावा मगरा हुन मैं तेरे ताई सच्ची गल सुनावा जे
उते जर मंजूरी होई, जे उते जर मंजूरी होई ते नहीं हो सानू टोई, शाह मिसकीना ऊपर राजी फिर साढ़े बाज न कोई। जनाबे अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारियां अपने हिसाब न माड़ियां मोटियां करके रब ते तवक्कुल कर लेंदे ने। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम कुबा बस्ती दे अंदर एक मस्जिद नु तमीर करना शुरू कीता, चंद दिन उत्थे रहने और मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने अपने हाथ नाल इस्लाम दी जिहड़ी पहली मस्जिद दी बुनियाद रखी है ना, नाम कुबा मस्जिद। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम चंद दिन रहने दे बाद मदीने दा रुख कीता, मदीना तैयबा आ रहे ने, अल्लाह अल्लाह मदीने दे सारे लोग मदीने तो बाहर आ गए, पाक पैगंबर इस्लाम दा इस्तकबाल करते ने ते जुबान ते तराने गीने, ताला अल बदर अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई, अय्योहल मबऊज़ फीना जेता बिल अमर मुताई, जेता सर्रफत मदीना दा मरहबन या खई रदाई। मदीना तैयबा दे बाल ए जनाब मदीने वाले आने मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा इस्तकबाल करन लई निकल के आ गए ने, अल्लाह अल्लाह छोटियां छोटियां बच्चियां इन्हां ने दफा था अंदर फड़े ने और जबान ते तरह ने अहले दिल ने तर्जुमा कीता, आंदे असी कुड़ियां कौम नसार दियां, असी कुड़ियां कौम अनसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां, असी कुड़ियां कौम अनसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां, अज चन्न खुशी दा चढ़िया नी नबी कदम मदीने तरयानी, ओ सारा शहर मदीना तरयानी वाह वाह रौनक इस बाजार दी, असी कुड़ियां कौम अनसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां, और गल बड़ी प्यारी अज आए नबी हकानी नी, अज आए नबी हकानी नी, माई आमेना दे दिल जानी नी, ओ जिबरील जेदा दिल जानी नी, असी गोलियां ओ सरकार दियां, असी कुड़ियां कौम अनसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां। मैं कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर अली सलाम अपनी दाची ते बह के मदीने आ गए ने, अल्लाह अल्लाह हर चौधरी दा दिल करदा है अगे होके दाची नू ढक लवे, हर चौधरी अगे होके रोकना चाहता है अपने बुए ते दाची नू बिठाना चाहता है, आमिना दे लाल नू अपने घर ले जाना चाहता है। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम ने बड़ा प्यारा जुमला बोलिया, आका फरमांदे ने खल्लू सबीला, खल्लू सबीला फ इन्ना
नहामुरतुन। ओए मदीने वाले हो दाची दा रस्ता छड़ दे हो ये दे अगो परे हो जाओ, इनु रोकना नहीं इनु बिठाना नहीं इनु किसे दरवाजे ते लेके नहीं जाना। ओ मेरे यार ये मेरी दाची रब वालों मामूर है, जिते रब दा आर्डर आएगा ओह मेरा मेहमान खाना होएगा, उन्हें मेजबाना दी मेजबानी कबूल की दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह उन जनाब जेदे दरवाजे दे करीब डाची आउंदी है ओ दे दिल दिया धड़कना तेज हो जांदियां ने, ओही दुआवां करदे मालका डाची इत्थे रुक जाए, डाची अगे गुजर जांदी इहदा दीवा बुझ जांदा चेहरा बुझ जांदा है, इहदे जनाब चेहरे ते परेशानी दे आसार। चलदियां चलदियां घूमदियां घूमदियां पूरे मदीने दा चक्कर करदे आ अखीर डाची आउंदी है ते अबू अयूब दे बूहे ते आके बह जांदी है। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम फरमान लगे ने मैं इस घर दे अंदर रहना, रब्बुल आलमीन दा आर्डर है। अल्लाह अल्लाह आओ मैं हदीसे पाक पढ़ना चाहना। अन अबी अय्यूब रसी अल्लाह तआला अनु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल अलैहि फनज़ल नबियो फिसफले व अबू अय्यूब फिल उलुवे फंतबाउ अबू अय्यूब लैलत फकाल नमशी अला रास रसूलिल्लाह फतनाउ वालू फबातु फी जानिब। एंज समझ लो दो मंजिला इमारत मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम अबू अय्यूब दे बूहे ते आके रुके ना, आका अंदर दाखल होए ने, अबू अय्यूब इंज करके पौड़ियां वाली साइड ते हो गया, आंदा वेलकम मरहबा सत बिस्मिल्ला जी आया नो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अगर मैं दुनियादारी दे लिहाज ना गल करा इत्थे किसे दे बूहे ते चेयरमैन आ जाए, किसे दी बैठक अंदर एमपी एमएनए वजीर आ जाए, किसी दे दरवाजे ते सदर वजीर आजम आ जाए, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अटियां जमीन ते नहीं लगदियां। मेरे बुए ते चौधरी साहब आए ने, मेरे बुए ते एमपी एमएनए आए ने, वजीर आए ने, मैं कुर्बान अबू अय्यूब तेरियां किस्मतां तो तेरे बुए ते आमिना दे लाल आए ने। कमली वाली सरकार आई है, मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए ना, अबू अय्यूब आंदा वेलकम हुजूर उपर तशरीफ ले आओ, आका फरमांदे ने नहीं अबू अय्यूब लोकां दा मेरे कोल आना जाना बड़ा लगना है, उपर किते जाना ते आना मैं नीचे रहना चाहना वा। अबू अय्यूब आंदे ने सोने हो मेरी गल मान लो, मेरी अर्ज मान लो, उपर तशरीफ ले आओ। आका फरमांदे ने मैं आना मैं नीचे रहना है। अल्लाह अल्लाह तीन मरतबा अर्जा कीतियां मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम, कह लगे अबू अय्यूब यार मैं थले रहना है लोकां दा आन जान। लेकिन अबू अय्यूब दे दिल अंदर की है ये ते रब जानदा है ना। अल्लाह अल्लाह जदों आमिना दे लाल नीचे तशरीफ रखदे ने आप दौड़ के उपर गए ने, अपनी बीवी नू कहन लगे कमरे च निकल आ कंध दे नाल लग के बैठ जा। आका पाक पता नहीं केड़े वेले घर दी निचली मंजिल च किते होंगे, असी उत्ते तुरे फिरिए किते बेअदबां दा रब शुमार ना कर दे। कंध ना लग के बैठ गए ने आमिना दे लाल रात जनाब आराम करते ने, ये दोनों मियां बीवी सर्दियां दियां रातां ने इंज दीवारां ना लग के सारी रात गुजार दीती है, ठिठरदियां कमरे अंदर भी नहीं जांदे ते अखां च नींदा भी नहीं पैंदियां। आमिना दे लाल पता नहीं कित्थे तशरीफ रखदे होंगे, असी घर दे उत्ते तुरना
काफिर ना कोई नहीं। इंजी सारी रात जागदे हां, गुजर गई है ना, अगला दिन चढ़दा है, अबू अय्यूब दियां अखां नींद ना परियां ने, आमिना दे लाल दे करीब आके बैठ गए ने। अल्लाह दे नबी जी अगर मुनासिब समझो उत्ते तशरीफ ले आओ, सोनिया अगर बुरा ना लगे तुसी उत्ते तशरीफ ले आओ। आका फरमांदे नहीं अबू अय्यूब मैं थल्ले ही रहना है। अबू अय्यूब चुप कर गए ने, रोटी पानी बना बनू के ना साइड ते ही लिया के आका पाक नू दिता है। ऐ सारा दिन बैठे रहन, रात पई है ना, ते अबू अय्यूब आंदे ने उम्मे अय्यूब रजाई किथे को करके पई है, मैं जरा फड़ लियावां ताकि असी रजाई कम अज कम लैके बह जाइए। ओ उम्मे अय्यूब ने दसिया फुला एंज करके एंज जगह ते कमरे ते पई है। अल्लाह ओ पता देना पिंडा अंदर ओ पुराने मोहल्ला च कंध दे नाल नाल थोड़ा जिहा बना के उत्ते मटके पानी शानी ये वो निजाम चौकठा जिहा बना के अबू अय्यूब दे घर च भी कोई इंदा निजाम होएगा। और सी ओ जनाब दीवार दे नाल अबू अय्यूब अंसारी इंतजाब दा मेरे को दम कराउन आए। ओ यार जुमा सुनिया करो तवज्जो, की तुहानू हो जांदा है अबू अय्यूब अंसारी गूंज पा दिया कर नबी दे नाम ते नबी दे याद दे नाम दे। अल्लाह अल्लाह ऐ वे मुहब्बत आया ने, अब मैं कुर्बान जावा। अबू अय्यूब अंसारी ऐ रसी अल्लाह तआला अनु कंधे नाल लग लग के कसर कसर के तुरे जा रहे ने, मतलूबा जगह ते पहुंचे ने, उते जाके रजाई कढ़ी है एंज मोढ़े ते रखी है, कंधे नाल नाल तुरे आ रहे ने। आंदे आ आंदे आ वो चौक ते ते पानी दा मटका पिया है, एदे नाल रजाई अड़ गई है, पानी डुल जांदा है, पानी गिर जांदा है, मटका गिरदा है। अबू अय्यूब दे दिमाग अंदर फौरी तौर ते आउंदा है किते ए ना होए ये तो पानी दे कतरात कीचड़ दे असरात आमिना दे लाल ते गिरन डिगन और जगह दे पीर दी अख खुल जाए। अल्लाह अल्लाह फौरी तौर ते इस रजाई नूं पानी दे पा दिता है, सारा पानी समेट लिया और आप आ गए ने ठंड दे अंदर मदीने दी खनक दी सर्दी, कंध ना लग के बैठ गए ने। सारी रात गुजर गई है, अगला दिन आउंदा है ना, अबू अय्यूब आमिना दे लाल दी खिदमत दे अंदर ने मेहमाना दा आना जाना है। अबू अय्यूब नींद दी वजह तो कदी इधर चौंक जांदे ने, कदी इधर हो जांदे ने, अखां जनाब सुज जांदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम नू हौली जी करीब होके आंदे ने, सोनिया महबूबा अगर मुनासिब समझो उत्ते तशरीफ लैओ। आका पाक फरमांदे ने अबू अय्यूब किवें ढिला ढिला जिहा लगना है, किवें नींदा ना मारिया लगना है, किवें अखां सुजियां ने। अबू अय्यूब आंदे ने सोहणिया कोई गल नहीं वैसे ही है। आका पाक ने मुहब्बत ना पुछया ऐ जनाब कमर ते हथ फेर के पुछया ना। अबू अय्यूब आंदे ने सोहणिया मेरिया ते दो रातां इंज करके गुजरिया ने, असी मुनासिब नहीं समझदे, इंज घर दी छत ते तुरिए फिरिए, तुसी नीचे तशरीफ फरमाओ। मेरे पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू अय्यूब अगर ए गल जी मैनू आंदियां दस देंदे, अपने सहाबा नू आंदे ने, ओ मेरे सहाबियो मेरा समान उपर शिफ्ट कर दिता जाए। पाक पैगंबर अली सलातु वस्सलाम उपर तशरीफ लै गए ने। मैं कुर्बान जावा अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अनहु आमिना दे लाल ली रोज किस्म किस्म दे खाने बनांदे, अपनी हसीयत दे मुताबिक आमिना दे लाल नू पेश करदे ने। एक दिन अबू अय्यूब अंसारी दी जनाब रूटीन ए वे खाना बन जांदा है, सारा खाना ले आके आमिना दे लाल दे अगे रख दिता जांदा है। आका पाक खा लेंदे ने, कोई आका कोल यार बैठा ते खा लेंदा है। खाने तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा बचिया खाना घर दे अंदर आउंदा
ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਬਰੁਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤਨਾਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਂਝ ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਥੂਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵਕਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਅਰਬੀ ਅਬਾਰਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਜਾ ਮੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰਾਮ ਹੁਆ ਸੋਹਣਿਆ ਲਸਣ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵਲਾ ਕਿੰਨੀ ਅਕ ਰਾਹੂ ਮਿਨ ਅਜਲੇ ਰੀਹੇ ਹੀ ਓਏ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੈਂ ਲਸਣ ਤਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਹਾਰਤ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਵੀ ਖਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਏ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਲਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਫਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਲਾਇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਛੱਡ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵੇ ਹੁੱਕਾ ਨਾ ਪੀਵੇ ਆ ਬਾਬੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਮਨਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਸ਼ਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇਵੇਂ ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਰਜਬ 'ਚ ਵੀ ਓਏ ਸਿਗਰ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੋ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਕਰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਸਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
नहीं किया। अल्लाह अल्लाह मैं सदके जावा। इधर आमिना दे लाल 7 महीने अबू अयूब दे घर रह रहने, इधर 7 महीने मस्जिद तैयार हो रही है ते आमिना दे लाल दे मस्जिद दे नाल घर तैयार हो रहने। अल्लाह अल्लाह मैनू ते नबी दे दौर तो पता लगा, नबी दे तरीका कार तो पता लगा, मस्जिद दे नाल घर बनाना इमामो खतीब और जनाब खादिम दा ए नबी रहमत अली सलाम दी सुन्नत और मस्जिद दा हुसन है। आका पाक ने पहलो घर बनाए ने फिर मस्जिद बनाई है। जाओ हदीस पढ़ के वेख लो, आका दे घरां दीआं तैयारियां होईआं, आका अपने घर शिफ्ट होण लगे ने, हजरत अबू अयूब अंसारी अखां चो आंसू आ गए ने, हिचकियां बज गईयां। अल्लाह दे नबी जी तुसी साडा साथ छड़ के जा रहे हो। आका फरमांदे ने अबू अयूब आमने सामने ही ते रह रहे। अबू अयूब मजबूरियां ने अपने घर अंदर शिफ्टिंग करना, चले जाते ने वे मस्जिद तमीर की, मैं कुर्बान जावा। अबू अयूब आंदे ने सोने चले जाना ते मजबूरी है, पर एक अबू अयूब का भी ते एक जनाब अरज नाल लैके जाओ ना। आप फरमाते ने अबू अयूब की कहना, कह लगा सोने नबिया मेरे घर अंदर तुहाडा खाना तैयार हो। अल्लाह दे नबी जी दोपहर नु खाना उसे टाइम तैयार होया करेगा, सोनिया तुहाडा इंतजार होया करेगा। जदों तक आके खाना नहीं खा लेंदे असी खाना नहीं खावांगे। आका फरमांदे ने अबू अयूब इंज नहीं, एक टाइम मुकर्रर कर लो, इंज कह लो। आका फरमांदे ने अगर खाना 12 बजे तैयार हो जांदा है 3 बजे तक इंतजार करना, मैं ना आया ते तुसी भुखिया रहना, तुसी खाना खा लेना है। अगर मैं आ गया मैं अपना खाना जरूर खा के जाया करांगा। आमिना दे लाल इंजी दिन गुजरते जा रहे, कभी आका तशरीफ ले जाते, कभी आका मसरूफियात की वजह तो ना जाते, और खाना 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे जो टाइम मुकर खाना खा लिया जाता। अल्लाह अल्लाह एक दिन ऐसा भी आया न, एक दोपहर का टाइम है, गर्मी दिया शिद्दत ने, इधर जनाब उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अनु अपने घरों निकले ने और जनाब मस्जिद वाल तुरे जा रहे ने। सामने जनाब अबू बकर सिद्दीक मिले, अबू बकर कहन लगे उमर किधर जा रहे हो। उमर कहन लगे अबू बकर घर खान शह कोई नहीं, ते भुख आंदना कटदी पई है, मस्जिद के अंदर जा रहा वा, रब ना जाके राजो न्यास दियां गल्लां करिए। अल्लाह पाक दे सामने अपना जनाब दस्ते दुआ दराज करना चाहना, अबू बकर तुसी किधर दोपहर ही निकली हो, निकले किधर हो। अबू बकर कहन लगे उमर प्यारिया जिधर तू जा रहे उधर मैं जा रहा वा। अल्लाह अल्लाह अगो आमिना दे लाल नाल मुलाकात हुई है। आका फरमांदे ने यारो किदां दोपहरे तुरे फिरदे हो। अल्लाह दे नबी जी भुख ना मत वजी भई है, भुख ना आंदना कट दियां जांदियां ने, सोनिया मस्जिद दे अंदर आए हाँ। आका फरमांदे ने यारो ओ मेरे ओ बेलियो ओ मेरे ओ सजनो भुख ते मैनू भी लगी है, ते हाँ मैनू एक गल ही ओ इंज मान हुंदा सजना साथियां दा, जबान हों यार। आका पाक फरमान लगे ओए यार मैनू याद आया, आओ चलिए अबू अयूब दे घर मेरी रोटी पक्की पई होनी है, आए आओ चलिए उधर अबू अयूब वाल, उधर ते मेरा खाना तैयार होएगा। टाइम ना वेखिया कि 3 तो टप गया आमिना दे लाल दोवां यारां दे हाथ पड़े ने, आ दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अल्लाह इन्ना बुआ खटखटाया, अंदरों उम्मे अयूब ने आवाजां सुनिया, कहन लगियां मरहबन मरहबा, हवे अल्लाह दे नबी जी तशरीफ लैके आओ मैं दरवाजा खोलनी आ। कहन लगे अबू अयूब किते ने, आयो ते सामने नखलस्तान अंदर बाग अंदर खजूरां दे गए ने। अल्लाह अल्लाह आवाजां दित्तियां गईं
आमिना दे लाल तशरीफ रख देने। अबू अयूब अंसारी इन्हें वेख्या दोपहर का टाइम है, दो यार नाल ने ते आका नू भोखी ना लगी होए किते। जनाब अबू अयूब ने एक खोसा तोड़िया खजूरां दा, उन्ना खुश खजूरां भी लगियां, तर खजूरां भी लगियां ने, लैके आमिना दे लाल दी खिदमत दे अंदर आया। अल्लाह दे नबी जी खाने दा की मूड है? आका फरमांदे ने अबू अयूब तिन्ने यार भुख दी वजह तो अपना तेरे घरों खाना खान आए हैं। अबू अयूब कहन लगा, सुने हो एंज करो खजूरा तनावल फरमाओ, मैं खाना तैयार करना वा। एक जनाब बकरी दा बच्चा देखेया, अबू अयूब ने चुरियां फेरियां, मिनट अंदर गोश्त तैयार है। कहन लगा, नी उम्मे अयूब तू रोटियां बना ले, मैं हांडियां तैयार कर लेना वा। मैं सदके जावा किचन दे अंदर, उम्मे अयूब रोटी बना रही है, ते अबू अयूब अंसारी इन्हां कुछ जनाब मटन कढ़ाई बना ली, कुछ सुका कोलिया ते भुन लिया। हदीस दे अल्फाज ने अपने कोलों बात नहीं, दो तरह दा खाना बनाया है, एक खुश गोश्त है, एक जनाब कढ़ाई तैयार कर ली है। और ये तो ये भी पता लगता है, बेगम ना हांडी पका लेनी चाहिदी है, ये भी पता लगता है। ये नहीं कि हुण सस बैठी वेड़े लै रन मरीद हो गया ही। नबी दी सुन्नत है, नबी दे यारां दी सुन्नत है। अबू अयूब हांडी बना रहे ने, उम्मे अयूब रोटियां बना रही ने, हांडी रोटी तैयार हो गई है, फटाफट खाना ले आके आमिना दे लाल दे अगे रखे है। जगह दे पीर ने खाना वेख्या, हांडी वेखी है, गोश्त वेख्या। जगह दे पीर ने दो तरह दा सालन वेख्या, अखां चो आंसू आ गए ने। अल्लाह अल्लाह आका फरमांदे ने जुबान तो, कहन लगे सुकियां खजूरां तर खजूरां ठंडा पानी, ऐ पुन्या गोशत ऐ मटन कढ़ाई। आका इन्ने जुमले बोल के अखां चो आंसू चल पैने, आका रोन लग पे। आका फरमांदे ने सुम्मा ला तुस आलुन यौमा एदन अनिन्नईम। नेमता ने जिन्हां दे बारे रब दे दरबार अंदर पुछया जाएगा, वे खांदा मेरा रे ते सजदा गैर नू करदा रे, खांदा मेरा रे ना गैर दा जपदा रे, खांदा मेरा रे मेरी अजान सुन के सजदा करन नहीं आंदा रे। हक बनदा है ना, वो रब दा खाइए रब दा शुक्र भी अदाइए, इधरों रज के रोटी खा के सजदे आके पै जाया कर। फजर वेले जोर वेले असर वेले मगरब वेले ईशा वेले सर सजदे च रख के क्या कर, सुभाना रब्बे यल आला। मैं कुर्बान जावा, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने रोटी तोड़ी, अद्धी रोटी तोड़ के ना आका पाक ने उत्ते तोड़ियां जिहा गोश्त दे टुकड़े रखे ने। आका फरमांदे ने अबू अयूब मैं उदों तक खाना नहीं खाना, मेरी धी फातिमा ने अरसा गुजर गया कदी इंज दा खाना नहीं वेख्या। और फैसला बादी ओ शहजादी बेटी है, नबी दी धी है, ते नबी दे दिल अंदर धी दा प्यार किन्ना है। फरमाया ओए अबू अयूब ए रोटी लै जा, मेरी फातिमा नू दे के आन, मेरी लाडली बेटी है, मेरी बेटी नू क्या खाना खा लै। अल्लाह अल्लाह जनाबे अबू अयूब दौड़ के जांदे ने, धीए फातिमा जी चाचा जी, फरमाया तेरे अबू ने खाना भेजे आए। फातिमा रोटी लैके बैठ के खान लग पईआं ने। जनाब आमिना दे लाल उदों तक उंजी बैठे रहने, अबू अयूब आंदे ने, ओए अबू अयूब मेरी फातिमा नू रोटी दे के आ गया, मेरी फातिमा खा भी रही सी के नहीं खा रही। ओ बेटियां वाले हो, बेटियां वाले हो, अल्लाह पाक दी कसम मेरे पैगंबर ने बेटी दी कदर दा हाल तरीका दसे है। और अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ये ते ओ धीआं जानदियां ने, ये ते ओ बेटियां जानदियां ने, जिन्हां दे अबू लाड़ चुकन वाले दुनिया तो चले गए।
जिन्ना दे बाप नखरे उठान वाले दुनिया तो चले गए, ये तो बेटियां जान दिया ने जिन्ना नू सिर ते प्यार देने वाला कोई नहीं, ये तो बेटियां जान दिया ने ओए जिन्ना नू अगले घर अंदर ये ताना दे के दबके मारे जांदे ने, बुला तेरे पीछे कौन है, असी वेने आ कौन तेरे पीछे चल के आंदा है, ओ ना 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 इना नुमानिया ते जुलम ना करया कर, इना नुमानिया नाल ज़ियाती ना करया कर, अगर अल्लाह जुल जलाल ने तेनु इना ते इख्तियार दिता है, इना ना प्यार ना पेश आया कर, इना ना मुहब्बत ना पेश आया कर, ए नुमानिया एक तेरी खातर पूरे जहान नु छड़ के तेरे बुए ते आउंदिया ने, इना ना जुलम ना करया कर। और मैं जड़ी गल करना चाहना, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने मेरी बेटी ने खादा है कि नहीं, सुनिया तुहाडी बेटी खान लग पई सी, आका वर खाना तनावल करन लग पैंदे ने, खाना खा लिया वापस जान लगे ने, फरमाया अबू अय्यूब कल नू मेरे अल चक्कर लाई जरा, इन्ना कह के निकल पै ने, अबू अय्यूब बर्तन चुकन अंदर मजरूब ने, गल सुन ना सके, हजरत उमर ने जाप लिया, वो मुड़ के आके आंदे ने अबू अय्यूब नबी दा आर्डर है, कल नबी दे घर चक्कर लगाना ही, अबू अय्यूब अगले दिन आंदे ने, आ फरमांदे ने अबू अय्यूब खाने अंदर लज्जत बड़ी सी, तेरा खलूस बड़ा सी, अबू अय्यूब मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहना, ते अबू अय्यूब एक गल ए भी है, मेरे को एक खूब रू लौंडी है, मैं तेनु हदिया करना चाहना वा, अबू अय्यूब नु तोहफे अंदर दीती है, अबू अय्यूब लैके तुरन लगे ने, आका फरमांदे ने अबू अय्यूब लौंडी समझ के जुलम नहीं करना, ओ तू बीवियां ते हाथ चुकने वाले, बीवियां नु मारने वाले हो, बीवियां ना जुलम करने वालों, बीवियां ते जबर करने वालों, मेरे पैगंबर दी तालीम है वे, ओए अबू अय्यूब लौंडी समझ के जुलम नहीं करना, आखरे भी रब दा जी है, इत्ते ज़्यादती नहीं करनी, हुस्ने सलूक ना पेशान है, अबू अय्यूब ने नीवी पाई है, लौंडी लेके घर आ गए ने, ते उम्मे अय्यूब नु आके दसिया अल्लाह दे नबी ने तोहफा दिता है, नाल उसने सलूक दा आर्डर कीता है, उम्मे अय्यूब आंदी है फिर उसने सलूक करना चाहिदा है, अल्लाह अल्लाह अबू अय्यूब आंदे ने एदे तो बढ़ के उसने सलूक की हो सकदा है, मैं इस लौंडी नू आजाद कर देना वा। ऐने ओ नबी दे यार वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार वल्लदीन तबऊहुम बेसार रसी अल्लाह अनहुम वरजू अनु वअद लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم ابو ایوب نو نبی نا پیار ہے نا آخری گل اینا پیار ہے نبی نا نبی دنیا تو چلے گئے نبی دی حدیث نا رج کے پیار کر چھڑے ہیں ایک دن نا ابو ایوب انصاری مدینے ہو کوڑا تیار کیتا ہے اونٹ تیار کیتا ہے تے مصر گیا نے कादे वास्ते कोई दावत है कोई प्रोग्राम है कोई फंक्शन है नहीं आंदे ने उथे मेरा एक वीर उकबा रहिंदा है उकबा बिन आमिर रहिंदे ने ते एक हदीस जिहड़ी नबी पाक ने बयान कीती सी इंज मजमा लगा सी ते उहना सारिआं चों सारे ही तुर गए ने एक उकबा बाकी एक मैं बाकी हाँ ते जाके मैं वह हदीस उकबा कोलों दोबारा सुन के पक्की करके आवां ओ यार मैनू ईमानदारी ना दसो तुहानू ते हदीसां प्लेट च लभण डईआं ने फिर जोक नहीं फिर शौक नहीं फिर मुहब्बत नहीं अबू अय्यूब तेरी हदीस ना मुहब्बत तो कुर्बान कहन लगे हदीस मैनू पता है मैनू याद है पर उकबा कोलो जाके मैं पक्की करके आवां मिसर तुर गए ने उकबा ना जा सलाम दुआ कीती है उकबा आंदे ने
ਕਿਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੈਲਕਮ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਛਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਕਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਸਾਤਾਰਾ ਮੂਮਿਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਤਾਰਾ ਹੁੱਲਾ ਹੁ ਯੌਮ ਅਲ ਕਿਆਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੂਮਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਪ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੋਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਕੱਢਣੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਢਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਫਰ ਰਾਜਾ ਆ ਇਲਲ ਮਦੀਨਾ ਫਮਾ ਹੱਲਾ ਰਹਿਲਾਹੂ ਯੂ ਹੱਦ ਸੁਹਾਦ ਅਲ ਹਦੀਸ, ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਜੈਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਆਏ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।